आज हम आपको बेबी निक्कर बताने जा रहे हैं। इसके लिए हमने ये बचा हुआ कपड़ा लिया है। अगर आप कोई ड्रेस बना रहे हैं या सलवार बना रहे हैं, उसमें से जो कपड़ा बच जाता है, हमारे किसी यूज में नहीं आता है, उस कपड़े से आप ये निक्कर बना सकते हैं। सबसे पहले आप बेबी का हिप नाप लें। हमने हिप 18 इंच ली है। ये कपड़ा हमने डबल में लिया है। हमने हिप 18 इंच ली है, 18 इंच। अब 18 का तीसरा भाग कर दें, जो हुआ 6 इंच। 6 इंच में हम 2 इंच और जोड़ेंगे, जो हुआ 8 इंच। कपड़े को हम 4 भाग में रखेंगे। अभी कपड़ा हमारा 2 भाग में था, अब हम इसको 4 भाग में कर लेंगे। इस तरह से हमारा कपड़ा 4 भाग में हो गया। अब हम कपड़े की चौड़ाई हिप का तीसरा भाग प्लस 2 इंच ढीला रखने के लिए, जो हुआ 8 इंच। आठ इंच हम कपड़े की चौड़ाई लेंगे। ये निक्कर की लंबाई है। लंबाई हम चौड़ाई से बराबर लेंगे। चौड़ाई हमने 8 इंच ली है। अब हम इसमें 1.5 इंच मोड़ने के लिए लेंगे और 1.5 इंच नीचे मोड़ने के लिए लेंगे, जो हो गया 11 इंच। 11 इंच हम निक्कर की लंबाई लेंगे। खुले की साइड हम आसन लगाएंगे। आसन हिप का तीसरा भाग और 1.5 इंच ऊपर मोड़ने के लिए, नेफा के लिए, जो हुआ 7.5 इंच। आसन की लंबाई हम 7.5 इंच लेंगे। अंदर से हम ये जो हमने आसन के निशान लगाया है, यहाँ से हम 1.5 इंच आसन की कटाई करेंगे। ऐसे सीधा निशान डाल लेंगे। आधा इंच पे हम यहाँ कोने से एक निशान डाल लेंगे और ऊपर से इस तरह से लेके आएंगे, इस निशान के किनारे से यहाँ मिला देंगे। ये आसन की कटाई हो गई। नीचे साइड हम मोहरी का निशान लगाएंगे। मोहरी हम 6.5 इंच ले रहे हैं। साढ़े छः इंच ये जो नीचे निशान लगाया है हमने, यहाँ से 1.5 इंच फोल्ड करने के लिए, यहाँ से हम मोहरी का निशान लगाएंगे। मोहरी हम 6.5 इंच ले रहे हैं। अब हम ये जो निशान लगाया आसन का, यहाँ से इसको मिला देंगे और इस निशान को यहाँ मिला देंगे।
अब हम कट कर लेंगे। अगर आप बड़ा निक्कर बनाना चाहते हैं तो आप हिप नाप लें, हिप का तीसरा भाग कर दें, तीसरे भाग में आप 2 इंच और जोड़ दें। 2 इंच जोड़ने से जो भी आता है उसमें आप आसन की चौड़ाई ले लें। कपड़े को 4 फोल्ड में रखें और जो चौड़ाई है उसी को आप लंबाई ले लें। आप नेफा अगर बड़ा डालना चाहते हैं, जैसे अगर आपको इलास्टिक डालनी है बड़ी चौड़ी, तो आप उस हिसाब से 2 इंच भी ले सकते हैं, ऊपर में नीचे में 1.5 ले सकते हैं फोल्ड करने के लिए। अब मैं कट करने जा रही हूँ। ये हमारा इस तरह फोल्ड हो जाएगा कपड़ा। अब हम सिलके बताएंगे। अब हम निक्कर सिलने जा रहे हैं। ये सीधा साइड है, ये उल्टा साइड है, ये दूसरा भाग है, ये सीधा साइड है। सीधा सीधा दोनों मिलाएंगे। इस तरह से ये आसन से हम सिलाई करेंगे। यहाँ आके सिलाई छोड़ देंगे, ये नीचे नहीं लाएंगे, यहाँ आके छोड़ देंगे। अब इसको सीधा करके इसके ऊपर एक दाब सिलाई लगाएंगे। हमारा एक साइड का आसन सिल गया है, अब हम दूसरी साइड का भी सिलेंगे। कपड़े को बराबर पकड़ लेंगे। यहाँ ऊपर से हम 1.5 इंच मोड़ने का निशान डाल देंगे। इसको हम 1 इंच सिलाई करेंगे, फिर इसको डबल सिलाई कर देंगे। आधा इंच ये और आधा इंच नीचे से हम छोड़ देंगे। नीचे तक सिलाई नहीं लाएंगे, ये कटाई के ऊपर सिलाई छोड़ देंगे। यहाँ पे हम डबल सिलाई कर लेंगे। ये हमने खाली छोड़ दिया है नेफा मोड़ने के लिए। यहाँ से हम डोरी डालेंगे। ये जहाँ हमने ये खाली छोड़ा है बीच में, यहाँ पे एक छोटा सा कट का निशान लगा देंगे। ध्यान रहे सिलाई ना कटने पाए, सिर्फ छोटा सा। अब हम इस कपड़े को, ये जो हमने कट लगाया है, इसको एक साइड मोड़ देंगे और जो ये ऊपर का कपड़ा है इसको एक साइड मोड़ के, इसको एक साइड मोड़ के सिलाई लगाएंगे। सीधी सिलाई हम नीचे तक लाएंगे। फिर हम एक सिलाई और लगा देंगे। इस साइड का कपड़ा जो है इसको हम थोड़ा और कट कर देंगे और ये दूसरी साइड मोड़ देंगे।
ये होल हो गया, यहाँ पे हम प्लास्टिक या डोरी डाल सकते हैं। अब इसको हम थोड़ा सा फोल्ड करेंगे एक बार, और दूसरी बार बड़ा फोल्ड करेंगे। ध्यान रहे ये सिलाई है, ये सिलाई इसी सिलाई के ऊपर आनी चाहिए। इसके सिलाई के ऊपर रख के हम इसके किनारे किनारे सिलाई लगा। अब हम ये नीचे साइड में फोल्ड करेंगे। एक फोल्ड छोटा करेंगे, दूसरा फोल्ड थोड़ा सा बड़ा करेंगे। इसी तरह हम इसको सिलेंगे, एक छोटा फोल्ड करेंगे, उसके बाद दूसरा फोल्ड थोड़ा बड़ा करेंगे। निकर के नीचे साइड में हम ये सीधे साइड से एक ये काले कपड़े की एक पट्टी लगाएंगे, ऊपर रखेंगे इसके 1 इंच की पट्टी। 1 इंच पट्टी काटने के लिए, 1 इंच की चौड़ाई की पट्टी के लिए हम 1.5 इंच चौड़ाई का कपड़ा लेंगे। इसको हम इस तरह से कपड़े के ऊपर रखेंगे। धागा हम ब्लैक लगा लेंगे। पट्टी को हम पहले थोड़ा सा फोल्ड करेंगे। इसके किनारे रख देंगे। अब इस पट्टी को थोड़ा सा फोल्ड करके इसके किनारे सिलाई लगा। इसी तरह हम दूसरी साइड भी पट्टी लगाएंगे। अब हम इसको उल्टा कर लेंगे। यहां से हम
सिलाई लगाएंगे इसके किनारे से। डबल सिलाई कर लेंगे। अब हम इसको सीधा कर लेंगे। सीधा करने के बाद हमने जो नीचे सिलाई लगाई है ना आसन के पास में, इस सिलाई को हम एक साइड रख के इस तरह, चाहे आप इस साइड फोल्ड कर लें चाहे इस साइड, इसके ऊपर से दाब सिलाई लगाएंगे। एक और डबल सिलाई कर देंगे। डबल सिलाई करने से ये सिलाई खुलती नहीं और मजबूती आ जाती है। ये निक्कर सिल के तैयार हो गई है। अगर आप इसी तरह और वीडियो देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।